नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे केएनयू3 चैनल में। आज हम बात करेंगे CAA और NRC के बारे में, जहां आज उनकी वजह से पूरे देश में अशांति का वातावरण हुआ है। आज गुजरात के वलसाड में भी आज पुलिस द्वारा वलसाड के अलग अलग विस्तारों में फ्लैग मार्च किया गया है और DYSP चावड़ा सर और DSP श्री सुनील जोशी के साथ आज कलेक्टर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जहां DSP सुनील जोशी ने अपने बयान में ये कहा है कि जो भी फुटेज और मैसेज है उन पर विश्वास ना करें और ऐसे गलत अफवाहों से दूर रहें। आज जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उन्हें आगे ना भेजें और जो भी ये गलत अफवाह फैलाएंगे उन पर कानूनी कार्यवाही होगी। जो भी सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर गलत है और ऐसे गलत अफवाहों से दूर रहने की DSP सर ने सबसे अपील की है और हमारे केएन न्यूज चैनल की ओर से भी आपको यही हमारी भी यही अपील है आपसे कि इन गलत अफवाहों से दूर रहिए और ऐसे ही नई अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हमारे केएन न्यूज TV चैनल को। लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त कैमरा में राजेश चौबे के साथ, मैं रीता पटेल, केएन न्यूज़, गुजरात वलसाड से। भारत के कुछ हिस्सों में और गुजरात में कई की जगहों पर छोटे मोटे जो आंदोलन चल रहे हैं, वलसाड की जो स्थिति है उसके बारे में आपको वाकिफ करने के लिए एक्ट की थोड़ी सी ठीक चीज़ें जो अगर आप भी उसको लोगों को बता पाए तो उसके लिए मैं आपसे रूबरू हूँ। तो दो चार चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो कैप और CAA है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था जो संसद में पारित होने के बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, उस एक्ट की अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो उस एक्ट में कुछ जो चीज़ें हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों के मन में कई जगहों पर डाउट बना हुआ है। सबसे पहली बात चीज़, ये किसी भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होता है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है उसमें सुधारा है थोड़ा सा, वो सुधारा ये कहता है फॉरेनर जो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए, सबसे पहली बात ये किसी भी इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है। जो सारे इंडियन सिटीजन हैं उनको इसके बारे में विचारने का बिल्कुल भी नहीं है कि इस एक्ट के आने की वजह से उनकी सिटीजनशिप पर कोई इश्यू आ सकता है। जो ये अमेंडमेंट जो बात कहता है वो ये है कि जो तीन देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के 6 धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और बौद्ध, ये 6 धर्म के लोग जो हैं इनको पहले से जो प्रोसीजर होती थी उसमें कुछ समय मर्यादा में कमी की गई है। आप मेरी बात समझ में, पहले इनको जब ये आते थे यहाँ पे किसी भी कारण से, लॉन्ग टर्म वीजा के अलग अलग ग्राउंड्स हैं, जैसे कि शादी करके लोग आते हैं, मेडिकल आधार पर आते हैं और आने के बाद में यहाँ देश में बसते हैं, तो इसमें शुरुआत में वीज़ा लेके आते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा उनको दिया जाता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा देने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट पूरी होने के बाद में वो सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं। वो सिटीजनशिप के लिए जो अप्लाई करने की जो समय सीमा है उसको थोड़ा कम किया है। जो भ्रम जो फैलाया गया है कि भाई इससे जो दूसरे इन तीन देशों के जो मुस्लिम लोग हैं वो अगर आते हैं तो उनको सिटीजनशिप एकदम डिनाई कर दी जा रही है, ऐसा नहीं। वलसाड में आज की स्थिति में आपको ध्यान पे होगा कि कितने पाकिस्तानी नागरिक LTV पे रह रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो यहाँ पे लगभग 15 लोग रहते हैं। शादी के ग्राउंड पर फैमिली हिस्ट्री यहाँ की रही हो इंडियन, उसके आधार पे ये लोग यहाँ पे रहते हैं। इनमें से अलग अलग का अलग अलग समय अवधि अभी तक पूरी हुई है। कुछ लोग उसमें LTV के स्टेज पे हैं जिनकी एनुअल LTV जो है वो मंजूर होने के लिए जाती है। कुछ लोग LTV के लिए के बाद में सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए जो समय सीमा है उसको पूरी करने के बाद में अपना सिटीजनशिप अप्लाई किया है। सभी की सिटीजनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कुछ की उनके पास में LTV की अर्जी पेंडिंग है, कुछ की सिटीजनशिप की है। नया एक्ट आने से सिर्फ 6 धर्मों के लोग जो इन तीन देशों से हैं उनको थोड़ा उस समय मर्यादा में छूट मिलेगी। इसके अलावा दूसरे धर्म की जो मुस्लिम धर्म की है उसकी कोई समय मर्यादा बढ़ाई गई है, ऐसा भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये जो प्रोसेस है सिटीजनशिप मिलने की, ये रेगुलर प्रोसेस है, ये चलती रहती है। हाल में अगर आपने कल भी TV पे देखा हो तो देवभूमि द्वारका में एक मुस्लिम महिला को, पाकिस्तानी महिला को कलेक्टर द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद सिटीजनशिप दी गई है। तो सिटीजनशिप
बाहर के लोगों को भी कंटिन्यू मिल रही है, प्रोसीजर है उसको फॉलो करने का। तो ये जो जितना भी भ्रम है कि भारतीय जो नागरिक है उनमें से कुछ लोगों की सिटीजनशिप चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये आप थोड़ा लोगों को बताएंगे, ये जो अमेंडमेंट है टोटल 2.5 पेज का अमेंडमेंट है, इसको अगर पढ़ने का एक बार ध्यान में रखेंगे तो सारे के सारे दूसरे कंफ्यूजन मिट जाएंगे। इसमें कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता। हाँ सर, सीए जो अभी आपने इसके बारे में लोगों को क्या राय है? वलसाड जिले में अभी तक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है उसको लेकर के शांति बनी हुई है। जो वलसाड जिला पुलिस का जितना महकम है उसमें से बहुत अर्जेंट ड्यूटीज को छोड़ के लगभग 1000 की पुलिस फोर्स, लगभग 450 होमगार्ड, 700 GRD और 150 ट्रैफिक ब्रिगेड के सभी जवान इस बंदोबस्त में साथ में जुड़ाए हैं। जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं उन सब के अंदर पुलिस बंदोबस्त रखा गया है। रिक्वायर्ड व्हीकल्स, वीडियोग्राफर्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स को कंप्लीट राइट गियर इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। जितने भी इसमें पार्टीज हैं उन सब से पुलिस ने इनफॉर्मल चर्चाएं की है। किसी भी पक्ष की तरफ से, किसी भी समाज की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ है। पुलिस ने सबको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। सर, कितना संवेदनशील विस्तार है जितना पुलिस बंदोबस्त? पुलिस दरेक पुलिस स्टेशन के अंदर अलग अलग संवेदनशील विस्तार है। स्पेशली हम वलसाड सिटी के अंदर, वलसाड रूरल में अतुल है, पार्डी में पारनेरा है, धर्मपुर के अंदर मैन टाउन है, वापी के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं, डूंगा पुलिस स्टेशन है, उमरगांव में संजान है, उमरगांव की तावड़ी, इन सभी एरियाज में हमें पुलिस का सफिशियंट बंदोबस्त है। सोशल मीडिया पर जो खोटा मैसेज फरे है इन्हें मटे पुलिस तरफ क्या पगला पड़े? पुलिस तरफ थी जितला पण एवा मानसो छे एना अमारे जे टेक्निकल सेल छे एना ऊपर वॉच राखी मुकेल छे। टेक्निकल सेल घणा बधा मानसोने आइडेंटिफाई पण कर्या छे अने ए मानसो तरफथी अगर जे पण कोई खोटा माहिती फैलावानी कामगिरी करवामां आवशे अने ए माहिती एवी होय जेनाथी अमने लागशे कि एमांथी आपणे पब्लिक पीस एंड ट्रांक्युलिटीना इफेक्ट થઈ શકે છે તો અમે એના ઉપર ગુના દાખલ કરીને આગળથી કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, વડોદરાની ઘટના કે બાદ સુરત અને રાજકોટને એહતિયાત કે તોર પર ધારા 144 લાગુ કરી દીધી છે, વલસાડ નહીં, વલસાડ જિલ્લામાં અભી 144 કી ધારા લાગુ નહીં કી ગઈ, લેકિન કલેક્ટર સાહેબ કે જાહેરનામે હૈ જિસમે મંજૂરી કે બિના કિસી તરહ કી રેલી પ્રોસેસન વગેરે નહીં નિકાલા જા સકતા। સર, પબ્લિક કે લિયે ક્યા મેસેજ? पब्लिक के लिए जो मैसेज है वलसाड पुलिस और गुजरात पुलिस की तरफ से कि किसी भी तरह के जो खोटे जो मैसेज चलते हैं उनके ऊपर विश्वास ना करें, ना इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करें। किसी भी चीज़ पे आपको जो विश्वास करना है वो फैक्ट आधारित करें। जितने भी मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं उसमें देखने में आया है कि मोटा भाग के जो मैसेज हैं वो गलत है, उनकी जो जानकारी है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और उनके आधार पे जो पुलिस की तरफ से गुनाह दाखिल करने की कार्रवाई की जाने वाली है उससे उनको नुकसान भी हो सकता है।